सीआरओ क्या करते हो, अब मल्टीमीटर के बोला बोलते कितना आ रहा उतना जान लेते हो, इसका वेव शेप किस तरह आ रहा था नहीं जान पाते ना, तो सीआरओ से उसका वेव शेप देख लेते ना। आप जैसे आपका लेबोरेटरी वगैरह रिसर्च पर हुआ आपको वेव फार्म देखनी पड़ती है, तो बिना सीआरओ आप काम कर नहीं पाओगे, तो इसका वेव शेप देख लेते हैं। मेन आपका ये है इसका वेव फार्म देख लेते हैं किस पॉइंट में कितना कितना वेव टाइम चार्ज कैसे वरी हो रहा आपका ना, तो मेन सीआरओ आपका ना ठीक। तो इसका जनरल पर्पज सीआरओ होता है, इस पहले पर्पज सीआरओ होते सबके ब्लॉक डायग्राम पढ़ने होते ना। और जैसे एक इम्पीडेंस ब्रिज होता है, इम्पीडेंस ब्रिज होता तो इसमें क्वांटिटी जो नापते हैं एक रेजिस्टेंस नापते हैं, एक आपका इंडक्टर नापते हैं, एक नहीं आपते कैपेसिटर नापते हैं ठीक। तो आपका इसके लिए अलग ब्रिज होता है, इसके अलग भी होता है, इसके लिए अलग भी होता है। तो आपका ऐसी कंडीशन होती है आपकी, जैसे ब्रिज होता है आपका तो यहाँ पे उतन नल लगा होता ना। अब जब ये Z1 Z4 इक्वल होगा, Z1 Z4 इक्वल Z2 Z3 होगा, जब ये इक्वेशन आपकी होगी ये जब सेटिस्फाई होगी तो क्या आपका यहाँ पर नल आएगा, यहाँ पे नल आएगा। तो यहाँ पर तीन ब्रांच नोन होती है, एक ब्रांच अननोन होती है, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। जैसे डीसी बेस में ये होता है फार्मूला, एसी बेस में एक इक्वेशन और जुड़ जाती है, उसमें होता है θ1 θ2 θ3। तो दो इक्वेशन हो गई, आपके तीन बातें अननोन है, तो आपसे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, आर एल सी कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। और जब कंबाइन एक यूनिट बना दिया जाए, आर के अलग भी जो एल के अलग भी जो कैप्टन है, उसके लिए चॉइस हो, अब आर चॉइस करो, एल चॉइस करो, कैप्टन चॉइस कर दो, उसके आर एल सी बीच कहलाता ना ठीक। तो आपका इससे क्या कर सकते हो, आर एल सी नहीं से नाप सकते, इंडक्टर नाप सकते, कैप्टन नाप सकते, जो नापना उसके अलग अलग उसके लिए अलग अलग होते ना ठीक। आप क्यू मीटर आपको होता है, क्यू मीटर क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू होता है क्वांटिटी फैक्टर आपका। जैसे किसी क्वाइल का क्वांटिटी फैक्टर होता है एक्सएल अपन आर, तो एक्सएल अपन आर जैसे आप इंडक्टर बनाते हो तो एक लेते हो आपका मेटल का वायर लेते हो, उसके ऊपर इंसुलेटर मटेरियल लपेटते हो ना, इंसुलेटर मटेरियल, तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, आइडियल जीरो होते जीरो होता नहीं, कुछ कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ कुछ का रेजिस्टेंस होता है, जीरो हो जाएगा क्यू क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, तो होगी आइडियल कॉइल होगी, तो होगी अगर आपका आर की वैल्यू कितनी कम होगी, यानी जो कॉइल लपेट है उसका जितना वैल्यू होगी क्वालिटी फैक्टर उतना अच्छा होगा, क्वालिटी फैक्टर उतना अच्छा होगा। तो आपका जब क्यू किसके लिए यूज करते हैं, जब मार्केट में इंडक्टर परचेज करने जाते हैं तो हम सब क्या है क्वालिटी फैक्टर देते हैं, जैसे रजिस्टर तो रजिस्टर पता है इसकी वैल्यू देखते हैं, ओम में देखते हैं, इसकी हैंडलिंग देखते हैं, खराब में देखते हैं ना, इसका क्या देखते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो ऐसे आप क्वालिटी फैक्टर क्वाइल का भी होता है और क्वालिटी फैक्टर इंडक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर कैप्सूल होता है, उससे देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा हमें पॉइंट टू मीटर इतना।